नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट शेयर के बारे में, एक बेहतरीन शेयर के बारे में जो कि केमिकल सेक्टर और फार्मा सेक्टर दोनों में इसका बिजनेस है। दोस्तों जिसका केमिकल सेक्टर और फार्मा सेक्टर दोनों में बिजनेस है वो कंपनी काफ़ी ज़्यादा परफॉर्म कर रही है अभी और काफ़ी तेज़ी आपको देखने मिलेगा, काफ़ी ग्रोथ। और जो मार्च है हमारा, मार्च में जो गिरावट है वहाँ से ये 300% से ज़्यादा का रिटर्न दे चुका है। तो दोस्तों ऐसे ही बेहतरीन शेयर को लेकर के हम आए हैं इस वीडियो में, तो चलिए उस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं उन शेयर्स के बारे में जो इतना बेहतरीन रिटर्न दिया है। तो वो शेयर्स हमारा जो है वो है जेबी केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड। तो दोस्तों इसमें हम टेक्निकल चार्ट के माध्यम से आपको बताएंगे कि किस प्रकार आपको इन्वेस्ट करनी चाहिए, किस प्रकार आपको लॉन्ग टर्म के लिए आपको पोजीशन बनानी है। साथ ही साथ हम टेक्निकल एनालिसिस के साथ इसके फंडामेंटल्स पे भी चलेंगे। आपको फंडामेंटल्स कंपनी का जरूर देखना चाहिए, कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग होनी चाहिए। जब कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है तो निश्चित है कि आप जब टेक्निकल चार्ट पर उसको फॉलो करेंगे तो काफी बेहतरीन रिटर्न आपको प्राप्त होगा। तो दोस्तों ये हमने चार्ट लगाया है जीरोधा के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर, आप ट्रेडिंग व्यू पर भी देख सकते हैं, दोनों चार्ट सेम ही है। और यहाँ पर जो हम लगाए हैं मंथली चार्ट, जब आप लॉन्ग टर्म के लिए आप किसी स्टॉक में बुलिश होते हैं तो उसमें आपको मंथली चार्ट पर देखना चाहिए वो स्टॉक्स कैसा परफॉर्म कर रहा है। साथ ही साथ आप स्टॉप लॉस के लिए वीकली चार्ट को फॉलो कर सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्ट करते हैं जैसे 1 ईयर, 2 ईयर, 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, तो आपको वीकली चार्ट पर स्टॉप लॉस को फॉलो करना चाहिए। और मंथली चार्ट पर आपका उस पर ध्यान रखना चाहिए कि स्टॉक बुलिश है या बेरिश है। अगर अभी आप इन्वेस्ट करते हैं, ये जान लीजिए, अगर अभी आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको डेली चार्ट फॉलो करना है। मंथली चार्ट, वीकली चार्ट कब हम फॉलो करते हैं, जब हमारा स्टॉक काफ़ी रन कर चुका है, हमारा इन्वेस्टमेंट 6 मंथ, 1 साल हो चुका है, मतलब 1 ईयर्स 6 मंथ कम से कम हो चुका है, तब हम उसे वीकली चार्ट पर, मंथली चार्ट पर फॉलो करेंगे, जब वो लॉन्ग टर्म के लिए हमारा स्टॉक अब बुलिश हो चुका है। जैसे आप नया नया आप इन्वेस्ट करेंगे तो निश्चित है आपको डेली चार्ट पर फॉलो करना पड़ेगा कि स्टॉक अभी बुलिश है या बेयरिश है। जब डेली चार्ट पर अभी वो बुलिश है तो आप इन्वेस्ट कीजिए, स्टॉप लॉस डेली चार्ट के अनुसार लगाइए। तो सारी सिनेरियो की हम बात करेंगे, ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो दोस्तों साथ ही साथ एक टेक्निकल इंडिकेटर हम RSI की मदद ले रहे हैं, आप बोलिंजर बैंड, कई सारे इंडिकेटर होते हैं जिसका आप मदद ले सकते हैं, MACD का भी हेल्प आप ले सकते हैं, काफ़ी बेहतरीन है वो भी इंडिकेटर। तो यहाँ पर देख लीजिए RSI पे आपको ये बुलिश कब कब है और बेयरिश कब कब है। तो बेयरिश आप यहाँ पर देख लीजिए, ये जो हमारा स्टॉक्स है ये बेयरिश है कहाँ से लेके कहाँ तक, तो यहाँ से आप देख लीजिए ये हमारा बेयरिश है 2007 से लेकर के 2009 तक, 2010 के शुरुआत तक। यहाँ पर ये RSI देखते हैं 40 के नीचे है, 40 के नीचे कब है, 2008, तो जब ये 40 के नीचे आ रहा था तो उस समय से हम ले सकते हैं, जैसे हमारा 2007 से ये नीचे आना स्टार्ट हुआ और 2010 तक, मतलब 2009 का जो इस भी है, 2009 तक ये ऊपर जाना शुरू किया, तो यहाँ तक का जो समय था ये बेयरिश रहा इसका। और उसके बाद आपको ये स्टॉक्स कभी भी बेयरिश नहीं दिखाई देगा, कभी भी ये बेयरिश नहीं था। यहाँ पर देखिए स्ट्रॉन्ग रूप से ये बुलिश था, यहाँ पे भी ये बता रहा है कि हम बेयरिश नहीं हैं। जब 60 से नीचे हो और 40 से ऊपर हो RSI, सीधा और सिंपल समझ लीजिए, 60 से नीचे 40 से ऊपर इस बीच में हो RSI, तो समझिए स्टॉक ना तो बेयरिश है ना तो बुलिश है। अगर वो बुलिश से नीचे आया है इस रेंज में तो समझिए वो बेयरिश नहीं है बल्कि साइडवेज है। तो यहाँ पर ये स्टॉक साइडवेज था और यहाँ पर चार्ट पे भी देख लीजिए ये हमेशा साइडवेज रहा है। तो काफ़ी बेहतरीन इंडिकेटर है RSI, इसको इन डिप्थ आपको समझना पड़ेगा। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगर आपको RSI के बारे में और ज़्यादा नॉलेज चाहिए तो हम RSI पर वीडियो बना करके आपको बताएंगे। तो RSI के बारे में डिटेल में आप जानना है जैसे RSI, MACD, तो इसके बारे में तो आप ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर यहाँ से स्टॉक देखिए काफ़ी समय तक बुलिश रहा, यहाँ तक स्टॉक RSI जो 60 से ऊपर हो तो समझिए वो बुलिश है स्टॉक, और हमेशा यहाँ से यहाँ तक देख लीजिए ये स्टॉक बुलिश रहा। फिर इसका यहाँ पर ये 60 से नीचे आ गया तो मतलब ये साइडवेज हो गया, जब तक ये 40 के नीचे नहीं जा जाता है RSI तब तक समझिए वो स्टॉक बेयरिश नहीं है बल्कि वो साइडवेज है 60 और 40 के बीच, क्योंकि काफ़ी लंबे समय तक ये बुलिश रहा, तो बुलिश रहा तो थोड़ा सा इसमें करेक्शन आया, तो यहाँ पर हम ये जो करेक्शन है इसको हम डाउन ट्रेंड नहीं बोल सकते हैं। यहाँ पर जब
हम मंथली चार्ट पे बात कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक करेक्शन हो रहा है। इसमें काफ़ी लंबे समय तक ये स्टॉक बुलिश रहा, तो यहाँ पर एक करेक्शन के फेज में ये रहा। तो ये कब से कब तक रहा, 2016 से लेकर के 2019 के अक्टूबर तक, तो काफ़ी लंबे समय तक यहाँ पर स्टॉक से देख सकते हैं साइडवेज रहा। तो यहाँ पर काफ़ी लंबे समय तक किसके लिए, जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड थे, जो यहाँ पर पहले इन्वेस्ट किए थे 2014 से पहले, तो उनके लिए ये एक साइडवेज करेक्शन था मंथली चार्ट पर। लेकिन कोई यहाँ पर एग्जिट करना चाहता तो उसे वीकली चार्ट पर अपना स्टॉप लॉस फॉलो करना चाहिए था। वीकली चार्ट लगा करके यहाँ पर आप स्टॉप लॉस को फॉलो करते, निश्चित है आपका यहाँ पर स्टॉप लॉस जो है वीकली चार्ट पर हिट हो जाता, तो आप यहाँ पर एग्जिट हो जाते तो फिर से आपको यहाँ पर देखते रहना है RSI को, फिर से यहाँ पर अपना पोजिशन बनाना है। जैसे ये नीचे करेक्ट होकर के आया नीचे की प्राइस पर, तो आप यहाँ पर फिर से इन्वेस्ट हो सकते हैं वीकली चार्ट पर और अपना स्टॉप लॉस को मेंटेन कर सकते हैं। दोस्तों बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारा जो है लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट का पर्पस है, तो इसमें बेयरिश और बुलिश की क्या बात है, हम लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टेड रहेंगे, 10 साल के रहेंगे, प्राइस तो ऊपर जाएगा ही जाएगा। तो दोस्तों बहुत सारे ऐसे स्टॉक भी है जो कि काफ़ी 5 साल तक एक ही जगह पड़े रहते हैं, तो आपको वैसे में प्रॉफिट बुक कर करके एक नए स्टॉक में इन्वेस्ट करना काफ़ी बेहतरीन होता है। क्योंकि 5 साल तक जब आपका कैपिटल कोई परफॉर्म नहीं करता है, तो निश्चित है समझिए कि आप वहाँ पर स्टॉक मार्केट से अर्निंग नहीं कर रहे हैं। जो बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं वो उनका स्टॉक्स मूव नहीं करता है, फिर भी वो अर्निंग करते हैं। किस प्रकार करते हैं, तो वो वहाँ पर हेज करके चलते हैं। जो बड़े बड़े आप राकेश झुनझुनवाल जी को जानते हैं, वैसे वैसे जो बड़े इन्वेस्टर हैं, ये मत समझिए कि वो इन्वेस्टेड हैं तो उनका अर्निंग नहीं हो रहा है। अगर स्टॉक मूव नहीं कर रहा है फिर भी वो अर्निंग कर रहे हैं, क्योंकि वो हेज करके चलते हैं। जैसे स्टॉक यहाँ मूव नहीं कर रहा है तो ऊपर वो जो है ऊपर के पी को सेल करके रखते हैं ऑप्शन में, या फ्यूचर को सेल करके रखते हैं। अगर इसमें थोड़ा सा करेक्शन होता है तो उन्हें वहां फ्यूचर से अर्निंग होता है, स्टॉक से अर्निंग नहीं हो रहा है। तो दोस्तों ये सारी चीजें आपको जानना पड़ेगा। जो बड़े बड़े मतलब जिनका कैपिटल काफी बड़ा है, वो अपने कैपिटल को हमेशा प्रोटेक्ट करके रखते हैं, हैज करके रहते हैं कि अगर ये स्टॉक नीचे भी गिरता है तो उनका जो हैज किया हुआ है वहाँ से अर्निंग आएगा। तो दोस्तों ये सारे बड़े बड़े कैपिटल जिनका कैपिटल काफ़ी बड़ा है, तो उनका काफ़ी सारे मतलब हैजिंग से भी अर्निंग होता है। इसलिए आप जो छोटे इन्वेस्टर हैं तो उन्हें आपको मतलब आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आप स्टॉप लॉस को मेंटेन रखें। जहां प्रॉफिट आपको काफ़ी लंबा मिल रहा है तो आप वहां प्रॉफिट बुक कर लें, फिर नए स्टॉक्स में अपॉर्चुनिटी को ढूंढेंगे। जैसे अभी जो फार्मा सेक्टर केमिकल सेक्टर का स्टॉक है वो काफ़ी बुलिश है, अगर आप देख लीजिए मंथली चार्ट पर, तो ये देख लीजिए सेप्टेम्बर महीने में ये हमारा स्टॉक जो है वो 760 रुपीज़ से कहाँ जा चुका है 1125 रुपीज़। तो दोस्तों 300 से भी ज़्यादा का रिटर्न मिल रहा है आपको, मतलब 50% से भी लगभग 50% रिटर्न आपको मिल रहा है मात्र एक महीने में। तो दोस्तों ऐसे स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट करना क्यों नहीं पसंद करेंगे। और मंथली चार्ट पर देखिए तो ये स्टॉक्स आपको यहीं पर साइन दे चुका था, देख सकते हैं यहाँ पर ये 60 के लेवल को क्रॉस कर दिया और काफ़ी ज़्यादा स्लोप के साथ मतलब काफ़ी ज़्यादा ये जो ग्राफ है इसका जो ऊपर की ओर ढाल है काफ़ी ज़्यादा है RSI का, मतलब जितना RSI ऊपर की ओर मतलब ज़्यादा तेज़ी से क्रॉस किया हो 60 को, तो समझ जाइए उसमें मोमेंटम उतना ज़्यादा है। मोमेंटम ज़्यादा है तो निश्चित है कि वो ज़्यादा ऊपर जाएगा। जैसे आप नदी में नाले में देखे होंगे, जो बहाव जितना तेज हो पानी का वो बहाव जो उतनी अधिक दूर तक जाएगा। तो RSI वही बताता है, जितना यहाँ मोमेंटम ऊपर ज़्यादा होगा वो स्टॉक्स उतना ही ज़्यादा ऊपर जाएगा। अभी आप यहाँ देख सकते हैं, अब यहाँ पर 80 को क्रॉस कर चुका है। बहुत सारे जो छोटे छोटे YouTube चैनल वाले वो आपको बताएंगे ये तो ओवर सोल्ड हो चुका, अब यहाँ पर आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। दोस्तों ओवर सोल्ड ये 80 आ गया, 80 से 90 भी हो जाएगा, मोमेंटम इसमें बना रहेगा तो आप क्या कुछ नहीं आप कर पाएंगे। तो आपको जो यहाँ पर इन्वेस्ट करना है, अगर प्रॉफिट लेना है तो आपको स्टॉप लॉस के साथ इन्वेस्ट करना है। इसमें अगर इसमें मोमेंटम मतलब नहीं रहता तो आपका स्टॉप लॉस हिट करेगा तो आप एग्जिट हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो आप मोमेंटम का फ़ायदा लेंगे तो किस पर लेंगे, डेली चार्ट पर। यहाँ पर आपको मंथली चार्ट पे नहीं इन्वेस्ट करना है, यहाँ पर आप डेली चार्ट पर, क्योंकि न्यू इन्वेस्टर डेली चार्ट पे इन्वेस्ट करेंगे। जो यहाँ लंबे समय तक पिछले 5 ईयर से 10 ईयर से इन्वेस्टेड है उनके लिए है मंथली चार्ट,
वो मंथली चार्ट पर देखते हैं स्टॉक बुलिश है या बेयरिश है। अगर बेयरिश है तो अपना स्टॉप लॉस को वो वीकली चार्ट पर मेंटेन करते हैं। जैसे यहाँ मंथली चार्ट है तो यहाँ पर हम वीकली चार्ट कर देते हैं। देखिए वीकली चार्ट कर दिए तो आप देख लीजिए वीकली चार्ट पे भी स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा देखते हैं, काफ़ी ज़्यादा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको दिखाते हैं 7 सितंबर 2020, ये चार्ट है 7 सितंबर 2020 वीकली चार्ट पर। एक वीक में देख लीजिए ये 800 रुपया से चला गया 1100 से चला गया 1100 मात्र एक वीक में। तो दोस्तों वीकली चार्ट में भी देखते हैं ये स्टॉक हमेशा बुलिश है। यहीं से ये देख लीजिए, यहीं से बार बार ये 60 को क्रॉस कर रहा है। तो जब बार बार 60 को क्रॉस कर रहा है और 40 से नीचे नहीं आ रहा है तो समझिए स्टॉक बुलिश है। RSI का सिंपल रूल है, 60 को क्रॉस कर रहा है लेकिन 40 को नीचे क्रॉस नहीं कर रहा है, 40 से आता है, 40 पे सपोर्ट लेकर के ऊपर जाता है तो समझिए वो स्टॉक बुलिश है। तो यहां पर 40 पाया तो आपको यहां पर बाय करना चाहिए। देखिए यहां पर आप बाय करते तो एकदम नीचे बॉटम पे बाय करते, यहां पर फिर से नीचे आया स्टॉक, यहां से जैसे रिटर्न हुआ आपको, जैसे रिटर्न हुआ तो इसका जो पहला ग्रीन कैंडल है उसको छोड़ करके यहां दूसरे ग्रीन कैंडल पे आपको बाय करना था। और जो पहला ये ग्रीन कैंडल था, पहला ग्रीन कैंडल का लो या कहिए ये जो इसका बॉटम बना इसके नीचे आपका स्टॉप लॉस होनी चाहिए। तो दोस्तों अभी देख लेते हैं, यहाँ पर आप इन्वेस्ट किए रहते पहला ग्रीन कैंडल के ऊपर, दूसरे ग्रीन कैंडल पे आपको 522 पे ही इन्वेस्टमेंट कर देनी चाहिए, मतलब 500 से ऊपर के प्राइस पे। तो अभी आप 100% से ज़्यादा का रिटर्न प्राप्त करते। और दोस्तों अब हम बात करते हैं ये जो है अब वीकली चार्ट पर कब कब ये हमारा बेयरिश था ये स्टॉक। तो ये देख लीजिए हम जूम इन कर रहे हैं तो यहाँ पर देख लीजिए आपको ये स्टॉक, यहाँ पर देख लीजिए कभी या इधर देख लीजिए यहाँ पर 2010-2009 कभी भी ये स्टॉक्स यहाँ से 2009 से पहले बेयरिश नहीं था। वीकली चार्ट पे भी देख लीजिए ये थोड़ा सा यहाँ पर क्रॉस किया 40 को, आपको 40-60 को फॉलो करना है। RSI का एक डिटेल वीडियो हम लाएंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए थोड़ा सा ये क्रॉस किया लेकिन कुछ ही महीने में, यहाँ पर देख लीजिए 11 अगस्त और यहाँ पर देख लीजिए 12 जनवरी, इतने समय में ये फिर से 40 के ऊपर चला गया, मतलब थोड़े समय के लिए बेयरिश हुआ था स्टॉक। फिर यहाँ पर देख लीजिए 2017 में ये थोड़े समय के लिए बेयरिश हुआ था, नहीं तो हमेशा स्टॉक क्या है बुलिश है, तो हमेशा स्टॉक बुलिश है। तो यहीं पर आपको वीकली चार्ट पे स्टॉप लॉस को फॉलो करना है। तो कैसे फॉलो करना है आप देख लीजिए, कभी भी लो है, जैसे ये पिछला लो हो गया, यहाँ से स्टॉक चला, यहाँ पर जो बुलिश बनाया तो यहाँ पर फिर से एक करेक्शन आया, तो ये जो लो बना ये पिछला लो के नीचे नहीं बननी चाहिए। ये लो अगर पीछे के लो को क्रॉस करता है तो आपको निश्चित है उस स्टॉक से एग्जिट हो जानी चाहिए। आप या आप वीकली चार्ट पर 5 कैंडल या 3 कैंडल के रूल को भी फॉलो कर सकते हैं कि अगर वो 3 या 5 बुलिश कैंडल को क्रॉस करता है नीचे की ओर तो आप वहां पर अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे और एग्जिट कर जाएंगे। अब जैसे ये अगला फिर से लो बनाया तो ये लो पिछले लो से नीचे नहीं है बल्कि ऊपर है, तो ये भी काफ़ी बेहतरीन साइन है कि स्टॉक बुलिश है। फिर से यहाँ देखिए लो बनाया तो ये लो जो है पिछले लो से ऊपर है, लेकिन यहाँ पर जो स्टॉक्स लो बनाया वो पिछला लो से नीचे है, तो यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जानी चाहिए अगर आप लो को फॉलो करते हैं। लो मतलब जो अगला लो बनाएगा वो पिछले लो से ऊपर बनाएगा तो स्टॉक क्या है बुलिश है, तो यहाँ पर ये स्टॉक क्या बन गया बेयरिश साइन, तो आप यहाँ पर एग्जिट हो जाएंगे। तो फिर आपको नया लेवल्स जब मिलेगा तो आप एंट्री करेंगे वीकली चार्ट पर। इससे बेहतर होगा कि आप जो है 5 कैंडल्स के रूल को फॉलो करें तो उससे ज़्यादा बेहतर होगा। तो जैसे इसको चलिए हम जूम कर देते हैं तो आपको बड़ा बड़ा कैंडल दिखेगा, तो ऐसे जूम कर दिए आप देखिए यहाँ पर आपको चलते हैं 2017 में, जैसे आप 5 कैंडल्स के रूल को फॉलो करेंगे तो ये देख लीजिए 1, 2 ये 3 ये 4 ये 5 कैंडल। अगर हम इस कैंडल के बारे में बात करें यहाँ पर स्टॉक आ गया तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ होनी चाहिए 5 कैंडल नीचे, फिर ये धीरे धीरे ऊपर बुलिश बनाया तो इस कैंडल को भी काउंट करेंगे तो 1 कैंडल ऊपर चले जाएंगे, यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस रखेंगे इस कैंडल के यहाँ पर नीचे, देख लीजिए यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस है। फिर ये अगला कैंडल अगर बुलिश बनाता है तो अगर बुलिश बनाता है ये अगला कैंडल तो 1 कैंडल हम और ऊपर स्टॉप लॉस को ले जाते, लेकिन यहाँ पर ये बेयरिश बनाना शुरू किया यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस है यहाँ पर देख लीजिए, तो ये यहाँ पर स्टॉप लॉस है, ये जो कैंडल है रेड कैंडल इसके नीचे,
तो जैसे इसमें करेक्शन आया, यहाँ पर जो करेक्शन आया यहीं पर आपका स्टॉप लॉस ये इसी करेक्शन पे हिट कर देगा, तो आप एग्जिट हो जाएंगे। और फिर से आप देख लीजिए ये काफ़ी नीचे स्टॉक्स आया, यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हिट किया, उससे भी स्टॉक्स यहाँ पर काफ़ी नीचे आया। फिर से आप यहाँ पर RSI को फॉलो करेंगे वीकली चार्ट पर, फिर से अगर आपको मौका मिलता है तो फिर से आप पोजिशन बना सकते हैं। जैसे आपके यहाँ पर स्टॉप लॉस को हिट किया यहाँ के आसपास, तो फिर से ये देखते हैं स्टॉक्स ये 60 को क्रॉस किया, मतलब यहाँ पर साइन दे दिया ये स्टॉक बुलिश है, और बुलिश है तो ये फिर से मौका देगा आपको इंटर करने का। देख सकते हैं ये नीचे आया फिर से यहाँ तेज़ी दिखा रहा है, तो आप यहाँ पर जब भी RSI थोड़ा सा नीचे आता है RSI का वैल्यू, तो आप वहाँ पर इंट्री कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर काफ़ी नीचे आया तो यहाँ पर आप इंट्री कर सकते हैं, फिर से कभी नीचे आता है तो आप वहाँ पर और ज़्यादा क्वान्टिटी ऐड करते चलेंगे, ज़्यादा क्या करेंगे ऐड करते चलेंगे। फिर कभी लो बनाया मतलब RSI नीचे आया तो वहाँ पर ऐड करते चलिए। अब यहाँ तो ये बहुत बड़ा ब्रेकआउट दे चुका है, तो ये ब्रेकआउट जब भी फेल होता है आप वहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। जब ये ब्रेकआउट फेल होगा तो आप वहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो ये काफ़ी बेहतरीन रूल है RSI के मदद से, या कहें ट्रेंड को फॉलो करते हुए, आप ट्रेंड को फॉलो करते हुए इसमें पोजिशन बना सकते हैं, अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाइए, बढ़ाते चलिए। तो स्टॉप लॉस को ट्रेल कैसे करेंगे लॉन्ग पोजिशन में, तो Zerodha सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है। जब आप यहाँ पर स्टॉप लॉस को ट्रेल करेंगे, स्टॉप लॉस को लगाएंगे, आपका GTT ऑर्डर क्रिएट हो जाएगा और आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाइए। वो स्टॉप लॉस आपका तब तक रहेगा जब तक इसमें कोई कॉर्पोरेट एक्शन नहीं हो जाता, स्टॉक स्प्लिट या स्टॉक बोनस नहीं दिया जाता है, तब तक आपका वो स्टॉप लॉस लगा हुआ रहेगा। जैसे कोई कॉर्पोरेट एक्शन होता है आपको फिर से लगाना पड़ेगा। तो दोस्तों Zerodha काफी बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। अगर आपने अभी तक अकाउंट ओपन नहीं किया, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाइए, अकाउंट ओपन कीजिए। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसके फंडामेंटल्स की। ये तो टेक्निकल हो गया, धीरे धीरे आपको टेक्निकल एनालिसिस हम सिखाएंगे, RSI क्या है, MACD क्या है, कैसे हम ट्रेंड को फॉलो करते हैं, हर चीज़ आपको बताएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आ चुके हैं हम मनी कंट्रोल के वेबसाइट पर, यहाँ पर हम देख लेते हैं इसके फंडामेंटल्स को। तो वैल्यूएशन पर चलते हैं, तो कंपनी का वैल्यूएशन देख लीजिए 8,700 करोड़ का है, कंपनी का P/26 है जो कि इंडस्ट्री के P से काफ़ी कम है। तो यहाँ पर देखते हैं इंडस्ट्री के P से काफ़ी कम है। डिविडेंड भी कंपनी काफ़ी बेहतरीन देती है, 550% का डिविडेंड यील्ड देखिए 1% के आसपास है, जो कि काफ़ी प्राइस रन कर चुका है, इसलिए डिविडेंड यील्ड आपको काफ़ी कम लग रहा है, नहीं तो कंपनी का डिविडेंड यील्ड काफ़ी बेहतरीन था। यहाँ पर डिविडेंड देख लीजिए 2020 में 2-2 बार कंपनी दे चुका, और 2020 में कंपनी डिविडेंड को डबल कर चुका है, जो कि एक काफ़ी अच्छा साइन है कि कंपनी का जो रेवेन्यू है, जो प्रॉफिट है, काफ़ी जंप हुआ है। कंपनी बोनस 2 बार दिया है अपने हिस्ट्री में, कंपनी स्टॉक स्प्लिट वो 1 बार किया है, और कंपनी के जो फाइनेंशियल है उस पे चलते हैं। कंपनी का फाइनेंशियल जो कि काफ़ी कुछ हमें बताता है, कंपनी का प्रॉफिट देख लीजिए लगातार इंक्रीज हुआ है, देख लीजिए जून क्वार्टर में 119 करोड़, जो कि पिछले साल के जून क्वार्टर से 2 गुने के बराबर है, देखते हैं 200% के आसपास है, तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट जंप किया है। तो उसके बाद आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं, कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न भी काफ़ी शानदार है। तो यहाँ पर देख लीजिए कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न ये भी काफ़ी शानदार है, कोई भी शेयर प्लेस्ड नहीं है। उसके बाद आता है कंपनी के बैलेंस शीट का, तो कंपनी के बैलेंस शीट पर चलते हैं, तो कंपनी के पास जो शेयर कैपिटल है मात्र 15 करोड़ का है, और रिजर्व काफ़ी ज़्यादा है कंपनी के पास, देखते हैं 1400 करोड़ का है, तो कंपनी के पास रिजर्व भी काफ़ी अच्छा है। उसके बाद जो माइनॉरिटी इंटरेस्ट है काफ़ी कम है कंपनी के ऊपर, जो इंटरेस्ट पे करती है कंपनी, कोई भी मतलब जो डेट होता है काफ़ी कम है। उसके बाद लॉन्ग टर्म देख सकते हैं बोरोविंग 0 है कंपनी के, मतलब डेट जो है कंपनी के ऊपर काफ़ी कम है, 62 करोड़ का मात्र डेट है कंपनी के ऊपर। और कंपनी के पास जो एसर्ट है, तो यहाँ पर देख लीजिए टोटल नॉन करेंट एसर्ट 740 करोड़ का है, तो कंपनी के पास एसर्ट भी काफ़ी अच्छा है। तो सारे फंडामेंटल्स पैरामीटर्स भी कंपनी के काफ़ी बेहतरीन है। तो अब चलिए लॉन्ग टर्म का चार्ट दिखाते हैं आपको, जो गूगल पर हमें दिखता है, तो ये देख लीजिए गूगल पर जो हम लॉन्ग टर्म चार्ट देखते हैं, किसी भी कंपनी का नाम लिखिए उसके आगे शेयर लिख दीजिए, आपको इस तरह का चार्ट निकल जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए 1999 से कंपनी जो अभी तक में रिटर्न कितना दिया है 6000% का, तो काफ़ी अच्छा रिटर्न है कंपनी का। लेकिन अभी जो कुछ सालों से है काफ़ी ज़्यादा तेज़ी देखने मिला है, जो केमिकल सेक्टर और फार्मा सेक्टर दोनों में जो स्टॉक्स है, देख लीजिए यहाँ पर 2008 से लेकर के 2020 तक में कंपनी
3200% का रिटर्न दे चुका है। और अभी जो तेजी है, ये तेजी अगर बरकरार रह गई कुछ समय तक तो और भी काफ़ी बेहतरीन आपको रिटर्न दे सकता है। तो दोस्तों ये बेहतरीन स्टॉक था जिसमें आपको ज़रूर इन्वेस्ट करनी चाहिए। अगर कभी भी किसी भी डिप पर, जो डिप होता है मतलब करेक्शन पे मिलता है, तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं विथ स्टॉप लॉस के साथ इन्वेस्ट करें तो काफ़ी बेहतरीन होगा। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म नाम का कोई चीज़ नहीं होता है। जब तक आपको उस कंपनी में मतलब तेज़ी देखने मिलता है, स्टॉक में तेज़ी देखने मिलता है, तब तक आप इन्वेस्टेड हैं। जैसे करेक्शन आने लगता है आपके वीकली चार्ट पर, आप उसमें प्रॉफिट बुक कर लें और फिर नए स्टॉक में अपॉर्चुनिटी को ढूंढें कि किस स्टॉक में आपको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है रिटर्न कमाने का। तो दोस्तों वीडियो अगर हेल्पफुल लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।